हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रोफेक्टस पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3 ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये है साइंस पार्ट 2 का स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड का। हमने इस चैप्टर का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिए है। वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वो वीडियोज़ भी जिन्होंने नहीं देखा। हमने पहले कंप्लीट कर लिया इसमें से हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है एंड एविडेंसेस भी कंप्लीट कर लिया है इवोल्यूशन के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लैमार्किज्म, स्पेसिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे स्पेसिमेन प्लांट्स के और एनिमल्स के अपने पास कलेक्ट करके रखे। उन्होंने उन प्लांट और एनिमल में कुछ अलग देखा तो उसे वो कलेक्ट करके रख लेते थे। उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश की जिसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उस थ्योरी में क्या बताया गया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये हम अच्छे से समझेंगे आगे। डार्विन ने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑल द ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विथ ईच अदर। जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इस पूरी दुनिया में वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में। इस कॉम्पिटिशन में वही सस्टेन कर पाता है, वही रहता है जो मॉडिफिकेशन दिखाता है, इजेंशियल मॉडिफिकेशन, जरूरतमंद मॉडिफाई अगर अपने आप को कर लेता है वही इस कॉम्पिटिशन में जीतता है फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है चार्ल्स डार्विन सर की इमेज। हाउएवर बिसाइड्स दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। नेचुरल सिलेक्शन जो भी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नेचर सिर्फ उन्हीं और वही ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो फिट है, उस जीने के लिए फिट है, और बाकी के जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पेरिस मतलब ख़त्म होना। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड, जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए गए नेचर द्वारा और सस्टेन है वो परफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से वो नए स्पीसीज को बॉर्न करते मतलब जन्म देते हैं विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, वो अपने अपने कैरेक्टर से। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड। मतलब डार्विन्स थ्योरी का जो नेचुरल सिलेक्शन था थ्योरी, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक सबने एक्सेप्ट किया और बहुत ज़्यादा समय तक सबने एक्सेप्ट किया। हाउएवर कुछ ऑब्जेक्शन भी उठाए गए डार्विन्स के ऊपर। वो ऑब्जेक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के कुछ मेन ऑब्जेक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्शन है वो है नेचुरल सिलेक्शन ही वो अकेला फैक्टर नहीं था जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये था पहला ऑब्जेक्शन। सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि डार्विन ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया किसके बारे में, यूज़फुल और यूज़लेस मॉडिफिकेशन के बारे में। उस टाइम पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था, तो उन्होंने उसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। थर्ड जो ऑब्जेक्शन है वो हमारा ये है कि देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट, उन्होंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया, स्लो चेंजेस और एब्रप्ट चेंजेस के बारे में। इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, ये सब ऑब्जेक्शन को लेकर डार्विन का वर्क था इवोल्यूशन का फिर भी चलते गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लैमार्किज्म। चलिए जानते हैं लैमार्किज्म। ये है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क की इमेज। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। रीज़न बिहाइंड दोस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, रीज़न क्या है इस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, इज एक्टिविटीज़ और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ये एक्टिविटीज़ और जो भी लेजीनेस है ऑर्गेनिज्म से उसकी वजह से ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते। ही कॉल्ड इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया वो है यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने जो एक एग्जांपल लिया था वो उसको जानते हैं। ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टील प्लांट्स। उन्होंने बताया था कि जो नेक है जिराफ का वो लॉन्ग जो टॉल हुआ लॉन्ग हुआ वो किसकी वजह से हुआ, कि उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया पेड़ों पे खाना। पहले सबसे पहले वो नीचे की लीव्स खाते थे, फिर धीरे धीरे ऊपर, उसकी वजह से उनका ये जो नेक है वो लॉन्ग हुआ। चलिए देखते हैं। बाई एक्सटेंडिंग देयर नेक्स, उन्होंने अपने नेक्स को एक्सटेंड करके धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन एक्सटेंड किया, जिसकी वजह से आज वो इतना बड़ा नेक हो गया। सोल्जर्स ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रांग। जो लोहार होते हैं उनके जो सोल्जर्स थे वो भी स्ट्रांग हो गए थे, उन्होंने ये बताया था, उनका ये कहना था।
टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स विंग्स, क्योंकि वो हमेशा हैमरिंग हथौड़ी को मारते रहते हैं लोहे पे, इसकी वजह से। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच और ईमू के बर्ड्स विंग्स थे वो वीक हो गए थे क्योंकि उनका उन्होंने यूज़ नहीं किया था उसको। लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन डक, उनके जो लेग्स थे डक और स्वैन की वो यूज़फुल फॉर स्विमिंग के लिए यूज़फुल है, टू लिविंग इन वाटर। एंड स्नैक्स, स्नैक्स ने क्या खोया था वो भी उन्होंने बताया। स्नैक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, क्योंकि उन्होंने अपने लेग्स लॉस्ट कर दिया था क्योंकि मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी बाय फॉर बरोइंग हैबिट। अब बरोइंग मतलब एक छोटे से होल में रहने के लिए उन्होंने अपने लेग्स को लॉस्ट खो दिया था। ऑल दिस एग्जांपल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये जितने भी एग्जांपल्स थे ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के टाइप थे, एग्जांपल्स थे। आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए। दिस इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लमार्किज्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है वो इमेज जो एक जनरेशन की जिराफ की, जिसमें उनकी लेग उतनी लॉन्ग नहीं थी, फिर सेकंड जनरेशन की धीरे धीरे लॉन्ग होते गई, ये थर्ड जनरेशन की है। ये आज की इमेज है जो जिराफ आज जिराफ के कितने लंबे नेक हैं। चलिए देखते हैं, लमार्किज्म का ही टॉपिक है ये। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जो ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वो कुछ कुछ करने के लिए ही डेवलप होता है। और देयर डीजनरेशन, जो डीजनरेशन होता है उसका नो यूज़ की वजह से होता है। तो ये थ्योरी मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि हम हमेशा अपने टंग का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो क्या हमारे टंग आज बहुत लंबे हो गए हैं? नहीं ना। तो इस हिसाब से ये थ्योरी रॉन्ग हुई। डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज़, जिसको हम यूज़ नहीं करते वो डीजनरेट हो जाता है। ऑल वाइडली एक्सेप्टेड, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्टेड किया। बट ट्रांसफ़र ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड, वो एक दो जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र भी होता है ये रिजेक्ट कर दिया गया। बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मैनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन, ये बहुत बार सब लोगों ने वेरीफाई किया था कि मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन यूज़ आर नॉट ट्रांसफ़र, जो मॉडिफिकेशन होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में, ये सब लोगों ने देखा था। देयर बाय लमार्क्स थ्योरी वॉज डिसप्रूव, इसकी वजह से लमार्क का जो थ्योरी था वो डिसप्रूव हो गया था। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफ़र, लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र कर सकता है अपने कैरेक्टर विच है जो उसने उन्होंने एक्वायर्ड किया है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी को हम लोग एंसिस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। बस ये था हमारा लमार्किज्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीशिएशन। चलिए जानते हैं स्पीशिएशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, न्यू स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉर्मेशन है वो इज द इफेक्ट, यही है वो इफेक्ट इवोल्यूशन का। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज से ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स, वो प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल्स को थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, नेचुरल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। ईच स्पीसीज ग्रो इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होते हैं। देन फूड, सबका फूड अलग रहता है, हैबिटेट सबका रहने का जगह अलग रहता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी सबकी अलग रहती है, एंड पीरियड इज़ डिफरेंट, वही मैंने जो आप सभी को बताया सबका लाइफ स्पैन जो है वो सबका डिफरेंट रहता है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन है न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन का कारण। बिसाइड्स ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ऑल्सो लीड टू स्पीशिएशन, जो ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है यही स्पीशिएशन को लीड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। चलिए जानते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होता है। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ नोन टूडे हैज़ बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम, जो आज बायोडाइवर्सिटी है इतनी बड़ी वो बोली जाती है, कहा जाता है कि वो बहुत सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुआ है ड्यू टू इवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से। इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो, वो पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लास्ट डायनासोर्स डिसअपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो, 7 करोड़ ईयर अगो लास्ट डायनासोर दिखाई दिए डिसअपीयर हो गए थे। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम, जो मंकी लाइक एनिमल्स थे उस टाइम पे वो कहा जाता है कि वो इवॉल्व हुए उनके एंसेस्टर से जो आज के सिमिलर है आज के लेमर्स से, मॉडर्न लेमर्स से। टेल ऑफ दिस मंकी लाइक, उस मंकी की पूंछ है वो किसकी तरह दिखती थी, एनिमल्स ऑफ अफ्रीका,
इससे टू बी डिसअपियर, जो आज डिसअपियर हो गया, अबाउट 4 करोड़ साल पहले थे वो। दे डिवेलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन, वो क्योंकि डिवेलप क्यों हुए क्योंकि उनके ब्रेन धीरे धीरे बढ़ते गए। हैंड्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव, उनके हैंड्स भी इम्प्रूव हुए। एंड दस एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व, एप लाइक जो भी एनिमल्स थे वो इवॉल्व हो गए। मीनवाइल दिस एप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, वो जो एप लाइक एनिमल्स थे वो कहाँ पहुँच गए, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में। फाइनली इवॉल्व इंटू गिबॉन और ओरंगुटन, ओरंगुटन और गिबॉन में इवॉल्व हो गए फाइनली। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स ट्रेड इन अफ्रीका, जो रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स थे वो अफ्रीका में ही रह गए और उससे इवॉल्व होकर हमें कौन मिला है, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, कुछ अबाउट 2.5 ईयर एगो। इवोल्यूशन ऑफ सम स्पीसीज, जो एप्स के जो कुछ स्पीसीज थे 2 करोड़ ईयर एगो, उन्हें हमें वो डिफरेंट वे में इवॉल्व होते हुए दिखाई दिए। दे हैड टू यूज़ देयर हैंड्स, उन्हें उनका हैंड्स का यूज़ करना आया, ईटिंग फूड, खाने कैसे, हैंड को यूज़ करके उन्हें खाना खाना आया और अदर वर्क, और भी बहुत सारे काम। दोस एप्स स्टार्टेड टू लाइव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, वो सारे एप्स जो थे वो ज़मीन पर रहने लगे और जंगलों में रहने लगे ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट। देयर लंबर बोन्स, जो उनके लंबर पैर के बोन्स थे वो डेवलप होते गए इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर, उनके पैर के जो बोन्स थे उसकी वजह से उन्हें इरेक्ट पोस्चर मिलने लगा, मतलब वो सीधे खड़े होने लगे। इन ग्रासलैंड्स, घासों में, एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़ एनी टाइम, उसकी वजह से जो हैंड्स है वो हमेशा यूज़ करने के लिए हमें इवॉल्व होकर मिले। दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स, जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स थे इरेक्ट पोस्चर जिसका था, विच आर यूजिंग देयर हैंड्स, जो अपने हाथों को यूज़ करते थे, वो अबाउट 2 करोड़ ईयर्स एगो थे। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल, जो फर्स्ट रिकॉर्ड था ह्यूमन लाइक एनिमल का, इज विद अस इन द फॉर्म ऑफ रामा पिथेकस, ये रामा पिथेकस था जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल था। एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, ये ईस्ट अफ्रीका से हमें पाया जाता है। आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन अप इन साइज बिकम मोर इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट हो गया, एंड दस द एप्स ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर एगो, जो साउथ अफ्रीका के एप्स थे वो 40 लाख ईयर वो इवॉल्व हुए थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है रामा पिथेकस जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एप्स था, ये देखिए यहाँ से सब हमें धीरे धीरे ह्यूमन का इवोल्यूशन दिखाया गया है। रामा पिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, जो एकदम स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर है वो मैन हमें यहाँ इवॉल्व होकर मिला। फिर नेंडरथल मिला, फिर क्रोमैग्नन मैन, उसके आगे फिर होमोसेपियंस, ऐसे इवॉल्व होते गए ह्यूमन इवोल्यूशन। ये था एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम देखेंगे इस डायग्राम में कि ह्यूमन का ब्रेन देखिए धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ है, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स, जो ह्यूमन लाइक एनिमल्स थे उनके मॉर्फोलॉजी स्टार्टेड टू अपियर लाइक, वो किसकी तरह दिखने लगे, टू बी द मेंबर ऑफ द जीनस, वो जीनस के मेंबर, जो जीनस है होमो उसके मेंबर दिखने लगे अबाउट 20 लाख ईयर अगो, मतलब 20 लाख साल पहले। एंड द स्किल ह्यूमन डेवलप, उसके बाद ही स्किल्ड ह्यूमन डेवलप होने लगे, जिसके पास बहुत सारे स्किल्स थे अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो, 15 लाख साल पहले। ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व, ह्यूमन सीधा खड़े होकर चलने लगे, ये 15 लाख ईयर एगो हमें इवॉल्व होकर दिखाई दिया। इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना, ये चाइना में हुआ था और इंडोनेशिया में एशियन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे ये हमारा लेसन ख़त्म होता है, ये पूरा चैप्टर आपको मैंने 3 पार्ट्स में सिखा दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोस हमारे आपको मिलते रहे। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द एंड।